नमस्कार, मैं हूं अर्चित और आपका स्वागत है एक्सेस भारत में। तो चलते हैं आज की मुख्य खबर की ओर। मध्य प्रदेश पुलिस ने पूर्व मंत्री राजा पटेरिया को दमोह से गिरफ्तार किया है। पटेरिया ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा था कि प्रधानमंत्री की हत्या के लिए तैयार रहो। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद एमपी में भूचाल आ गया था। इसके बाद बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस पर हमला बोल दिया था, साथ ही पटेरिया पर एनएसए लगाने की मांग कर रही है। पटेरिया के विवादित बयान पर पन्ना में केस दर्ज हुआ था। अब पन्ना पुलिस ने पूर्व मंत्री राजा पटेरिया को दमोह स्थित आवास से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस मामले में पूछताछ कर रही है। वहीं विवाद बढ़ने के बाद पूर्व मंत्री राजा पटेरिया ने सफाई दी थी। उन्होंने कहा कि हत्या का मतलब है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनाव में हराना। मैं गांधीवादी विचारधारा का व्यक्ति हूं, किसी की हत्या की बात नहीं सोच सकता हूं। मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। सफाई के बाद भी बीजेपी लगातार कार्यवाही की मांग कर रही थी। पटेरिया के बयान आने के बाद एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने तुरंत कार्यवाही के निर्देश दिए थे। इसके बाद एमपी पुलिस ने पटेरिया के खिलाफ अलग अलग धाराओं में केस दर्ज हुआ था। बीजेपी मांग कर रही थी कि पटेरिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। हालांकि कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं ने पटेरिया के बयान से खुद को किनारे कर लिया था। बीजेपी पूरे प्रदेश में पटेरिया के खिलाफ प्रदर्शन कर रही थी। अब पटेरिया सलाखों के पीछे है। दरअसल पूर्व मंत्री राजा पटेरिया ने पार्टी कार्यकर्ताओं की एक सभा को संबोधित करते हुए कहा था कि मोदी चुनाव खत्म कर देंगे, मोदी भारत को धर्म जाति भाषा के आधार पर विभाजित करेंगे, दलितों आदिवासियों का जीवन और अल्पसंख्यक खतरे में है, अगर संविधान को बचाना है तो मोदी को मारने के लिए तैयार रहे। बाद में उसी वीडियो में कांग्रेस नेता ने दावा किया कि उनके भाषण में हत्या शब्द का अर्थ हार है। उन्होंने कहा कि वह महात्मा गांधी की अहिंसा की विचारधारा का पालन करते हैं और उनका मतलब था कि अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए पीएम मोदी को चुनावी रूप से हराना आवश्यक है।